सब्सक्राइब कीजिए के इनक्रेडिबल किचन को और बेल आइकन दबाइए हमारी नई रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं के इनक्रेडिबल किचन। मेरा नाम है नितिन अलोंग विद माय मॉम कोकिला। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है एग कोरमा। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रेंड्स जो हम यूज करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एग कोरमा को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले रहे हैं 8 अंडे। अंडों को हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 कप क्रीम, 1 कप ले रहे हैं दही। ये 3 प्याज है फ्रेंड्स, इसको हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। हम ले रहे हैं 15 बादाम। ये कुछ मसाले हैं फ्रेंड्स जिसमें ले रहे हैं 2 दालचीनी, 2 इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची। 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हम ले रहे हैं हल्दी, 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं गरम मसाला। इस गरम मसाले की रेसिपी के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये होममेड गरम मसाला है। कोरिएंडर, धनिया, नमक हम ले रहे हैं 1.5 चम्मच, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और बनाने के लिए तेल। तो आइए शुरू करते हैं कोरमा को बनाना। एक कढ़ाई में हमने ऑलरेडी तेल गरम कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले तलेंगे अंडे जो हमने ऑलरेडी उबाल लिए हैं। अंडों में हम थोड़ा सा इस तरीके से फोक से चीरा लगा लेंगे ताकि अंडे तलते वक्त फटे ना। अंडों को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। अंडे फ्रेंड्स लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम अपनी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्याज में डालेंगे बादाम, ये 15 बादाम है, और इसमें डालेंगे पानी और इसे ग्राइंडर में पीस के इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। कोरमा की हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले डालेंगे 2 दालचीनी, 2 इलायची, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। फ्लेम को हमने हाई कर दिया। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इन सभी मसालों को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, देन धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, एंड देन एंड में जाएगा इसमें गरम मसाला जो है 2 टेबलस्पून। अब इसमें डालेंगे पानी ताकि हमारा मसाला जले ना। पानी डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे तेज आंच पे। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। फ्रेंड्स फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब इसमें डालेंगे दही, 1 कप दही है फ्रेंड्स। दही डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम क्रीम। अब इसमें डालेंगे नमक। इन सभी मसालों को फ्रेंड्स तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब इसमें डालेंगे अंडे। अंडे डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट के लिए। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब इसमें डालेंगे फाइनल इंग्रेडिएंट जो है हमारा धनिया। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग कोरमा हमारा रेडी है दोस्तों। एग कोरमा को हमने अपने सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और इसे गार्निश किया है कोरिएंडर से। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हैव अ नाइस डे।